दोस्तों आज हम चलेंगे एक ऐसे देश के टूर पर जहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ चाय के नाम पर सिर्फ ग्रीन टी ही पी जाती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी देश मोरक्को की। तो चलिए जानते हैं इस देश के बारे में कुछ बेहतरीन रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों नॉर्थ अफ्रीका के मगरिब क्षेत्र में स्थित मोरक्को का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ मोरक्को है। यहाँ राजशाही लोकतंत्र है, यानी यहाँ किंग भी है और संसद भी। इस देश की राजधानी रबात है, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर कासाब्लांका है। मोरक्को का ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है, हालांकि यहाँ बोलचाल में मोरक्कन अरेबिक, हसानिया अरेबिक, बर्बर लैंग्वेज और फ्रेंच इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। मोरक्को का क्षेत्रफल 4,46,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसमें सहारा मरुस्थल के कुछ हिस्से को जोड़ दिया जाए तब मोरक्को का कुल एरिया 7,10,850 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। वहीं इस देश की जनसंख्या लगभग 3,80,00,000 है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस देश के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन, ईस्ट में अल्जीरिया और साउथ में वेस्टर्न सहारा रेगिस्तान है। दोस्तों मोरक्को का ऑफिशियल धर्म इस्लाम है। यहाँ की 99.6% आबादी इस्लाम का पालन करती है। इसमें भी 99.23% जनसंख्या सुन्नी इस्लाम और महज 0.45% आबादी शिया इस्लाम का पालन करती है। दोस्तों सामान्य तौर पर अफ्रीका को गरीब देशों का महादेश माना जाता है, लेकिन मोरक्को अफ्रीका की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। मोरक्को की नॉमिनल GDP 142.874 बिलियन डॉलर है, जबकि सालाना प्रति व्यक्ति औसत आय $3,896 है। मोरक्को की करेंसी का नाम मोरक्कन दिरहम है और आज 19 अगस्त 2023 तक एक मोरक्कन दिरहम की वैल्यू भारतीय रुपए में 8.38 रुपए के बराबर है। दोस्तों मोरक्को पर सन 1631 से ही अलवी डायनेस्टी का शासन रहा है। हालांकि सन 1912 से 1956 तक इस देश पर फ्रांस का कब्जा हो गया था, लेकिन 7 अप्रैल 1956 को फ्रांस की गुलामी से आजाद होने के बाद फिर से अलवी वंश ने इस देश की सत्ता संभाली। वर्तमान में मोरक्को के किंग मोहम्मद VI हैं। वो 23 जुलाई 1999 से मोरक्को के किंग बने हुए हैं। दोस्तों आप सभी ने इतिहास की किताबों में इस्लामिक स्कॉलर और ट्रैवलर इब्न बतूता के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जो सन 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता इसी मोरक्को देश का रहने वाला था। दोस्तों मोरक्को प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ कई सारे खूबसूरत समुद्री बीच हैं, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, सहारा जैसा रेगिस्तान है, तो हरे भरे समतल मैदान भी है। मोरक्को का सबसे ऊंचा पर्वत टूबकल पर्वत है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तट से करीब 4,167 मीटर है। दोस्तों मोरक्को का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। जिस तरह हमारे देश में बच्चे गली मोहल्ले में भी क्रिकेट खेलते देखे जा सकते हैं, उसी तरह यहाँ भी बच्चे गली मोहल्ले में फुटबॉल खेलते नजर आते हैं। मोरक्को साल 2022 में कतर में हुए फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अरब और अफ्रीकी देश बन गया था। हालांकि वहां उसे फ्रांस से हार का सामना करना पड़ा और चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा, लेकिन फिर भी मोरक्को के लिए ब्राजील, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल और इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीमों को पीछे छोड़कर फीफा विश्व कप में चौथा स्थान प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों मोरक्को के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। यहाँ की 50% आबादी खेतों में काम करना पसंद करती है। यहाँ के लोगों ने सफलता के लिए एक मूल मंत्र बना रखा है और वो मूल मंत्र ये है कि हर व्यक्ति अपना काम खुद करेगा और चाहे जितना भी समय लगे, लेकिन अपने काम को खुद ही पूरा भी करेगा। यानी हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम दूसरों पर न टालकर खुद ही पूरा करता है, चाहे इसके लिए उसे छुट्टी के दिन भी काम पर क्यों न जाना पड़े। यही कारण है कि मोरक्को की अर्थव्यवस्था अन्य अफ्रीकी देशों के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रही है। दोस्तों मोरक्को के लोग साधारण चाय की जगह ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। ग्रीन टी मोरक्को का लोकप्रिय पेय है। वहाँ ग्रीन टी को स्थानीय भाषा में अताई या विस्की कहा जाता है। मोरक्कन लोग ग्रीन टी में पुदीना और अन्य औषधि डालते हैं। दोस्तों मोरक्को में फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत ही विशाल और खूबसूरत स्थायी सेट बनाया गया है, जिस कारण यह देश बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के शूटिंग के लिए पसंदीदा लोकेशनों में से एक है। हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक ग्लैडिएटर और पॉपुलर वेब सीरीज
गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग भी इसी देश में हुई थी। दोस्तों, जब भी प्यार की बात आती है तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिल यानी हार्ट को इसका सिंबल माना जाता है। यहाँ तक कि हम सभी आम बोलचाल की भाषा में अपने पार्टनर को ये तक कहते हैं कि हम उसे दिल से प्यार करते हैं। हमारे देश में दिल के ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोरक्कन लोग प्यार को दर्शाने के लिए दिल नहीं बल्कि लीवर का प्रयोग करते हैं। वहाँ दिल को नहीं बल्कि लीवर को प्यार का प्रतीक माना जाता है। लोग अपने पार्टनर से दिल से नहीं लीवर से प्यार करते हैं। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए, हमारे देश की दिल नाम वाली फिल्में अगर मोरक्को में बने तो उनका नाम क्या होगा? जैसे दिल की जगह लीवर, दिल का क्या कसूर की जगह लीवर का क्या कसूर, दिल आशना है की जगह लीवर आशना है, दिल है कि मानता नहीं की जगह लीवर है कि मानता नहीं। दोस्तों, एंटी एजिंग और विटामिन ई से भरपूर ऑर्गन ऑयल का उत्पादन पूरी दुनिया में सिर्फ मोरक्को में ही होता है। मोरक्को में पाए जाने वाले ऑर्गन के पेड़ों के बीज से इस तेल को निकाला जाता है और इसे अच्छे से पैकेजिंग करके पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता है। दोस्तों, रहन सहन के लिहाज से मोरक्को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अच्छा देश माना जाता है, क्योंकि एक समय यहाँ फ्रांस का शासन था जिस कारण इस देश का भी मॉडर्नाइजेशन हो गया। मॉडर्न देश होने की वजह से यहाँ पर महिलाओं को काम करने की पूरी आजादी दी जाती है। दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर की तरह ही मोरक्को में भी एक ब्लू सिटी है। इस सिटी का नाम है शेफ सोवेन। इस शहर के हर घर, दीवारें, दुकानें सभी ब्लू कलर में ही रंगी हुई हैं। दोस्तों, इस देश के लोगों को टेक गैजेट्स का बहुत शौक है। यही कारण है कि यहाँ इंसानों से ज्यादा मोबाइल मौजूद है। मोरक्को की 3,80,00,000 की आबादी के पास 4 करोड़ से भी ज्यादा मोबाइल फोन मौजूद है। दोस्तों, मोरक्को में फातिमा नाम बहुत कॉमन है। यहाँ 10 में से 7 लड़कियों के नाम फातिमा जरूर होता है। यानी अगर आप वहाँ मार्केट में खड़े होकर फातिमा नाम पुकारें तो कोई ना कोई लड़की पलटकर आपको जरूर देखेगी। दोस्तों, कुसकुस और टैगिन को मोरक्को का सबसे लोकप्रिय व्यंजन माना जाता है। कुसकुस यहाँ के लोगों को इतना प्रिय है कि मध्य मोरक्को में इसे साधारण भोजन की तरह खाया जाता है। यह गेहूं की दलिया, आटा और सूजी से बनता है। इसको परंपरा के अनुसार मांस या सब्जी से बने स्टू के साथ परोसा जाता है। दोस्तों, मोरक्को घूमने के लिहाज से एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ सालों भर टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है। मोरक्को के घूमने वाली जगहों में ब्लू सिटी शेफ सोवेन, सहारा डेजर्ट, कैपिटल सिटी रबात, कल्चरल सिटी कासाब्लांका, मोरक्को का क्राउन ज्वेल कहा जाने वाला तिंगिर सिटी, ओल्ड मगरिब सिटी फेज, ददेस वैली, एत बेन हदोउ, रोज वैली और इशोयरा सिटाडेल, जहां वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के तीसरे सीजन की शूटिंग हुई थी, इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान के पास स्थित होने के कारण मोरक्को एक गर्म देश है, इसलिए यहां घूमने जाने का सही समय मार्च से मई के बीच होता है। इस वक्त यहां ना तो ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा ठंड। अगर आप मोरक्को घूमने जाना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड भारतीय पासपोर्ट और मोरक्को का वीजा होना चाहिए। आप मोरक्को के लिए दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मोरक्को के बारे में कुछ खास रोचक फैक्ट्स। आपको ये जानकारी कैसे लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।